दोस्तों इस्तकबाल है आपका नजर इंडिया न्यूज में और तमाम आलम इस्लाम को हमारी टीम की तरफ से मेरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और हम इस वक्त मौजूद हैं दरबार सुल्तान उमरा हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह के सहन में। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं कोरोना को लेकर, सुबह से जनता कर्फ्यू रखा गया था, इसका असर शबे मेराज को भी देखने मिला है। जबकि उमरा में जो शबे मेराज बड़े धूमधाम से बड़ी बड़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, हर मस्जिद में भीड़ रहती है, लेकिन इस साल बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है। और हमारे साथ मौजूद है खादिम दरगाह मंजूर अली खान पठान, उनसे बात करेंगे। मंजूर भाई, क्या कैसा रहा आपकी बार शबे मेराज का यहाँ पर माहौल? मेराज का जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है ऐसे ही अच्छा है माशाल्लाह, मगर कैसा है जो पहले जो पब्लिक होती थी, अभी ये हालात जो चल रही है उसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक दो दो जन जो आ रहे उनको ज्यारत करा रहे, बाहर जा रहे, ऐसा भीड़ के जैसा नहीं खा करे, उसको लोगों को भी तकलीफ नहीं हुए। और इंशाल्लाह पुलिस भी हमारी सपोर्ट करे, हमारे जमीयत मुस्लिम के सब मेंबर लोग हर चीज की खिदमत कर रहे हैं, हमारे ना के मॉनिटर नाथ का बच्चे लोग, हमारे खादिम लोग सब बच्चे इधर खिदमत कर रहे हैं, हर दो दो आदमी को अंदर जा रहे हैं। मस्जिद में भी 10 मिनट का बयान किए, बस ज्यादा नहीं तो हमारा दो दो घंटा ढाई ढाई घंटे था, ये माहौल को देख के कर रहे हैं। तो मुमरा के लिए सेफ्टी के लिए अपने बार रात भर खुला रहता था, तो अब की बार क्या है? नहीं, अब के बाद जो लोबान हो जो टाइम है ना वो टाइम में बंद हो, जो माहौल के हिसाब से ऐसा टाइम दिया है, नहीं तो रात भर चालू रहती थी। नमाज इबादत कब तक चलेगी? नमाज जैसे आप पब्लिक आ रही है दो दो तीन तीन जन पढ़ते जाओ और बाहर निकल कर, मतलब भीड़ नहीं, पांच पांच जन दस दस जन नहीं खड़े सकते, दो दो जन पांच पांच जन आके नमाज पढ़ के जा सकते हैं। तो मतलब ऑर्डर निकाला गया पुलिस की तरफ? नहीं नहीं नहीं, पुलिस की तरफ से मतलब पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल चल रहा है उसके वजह से ये कर रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है ना किसी के। हमारी जमे जिस तरह से देखते कि हमारे जो भाई है वो इस रात में घूमते भी बहुत है बाहर ग्रुप बना के, तो मैं उनके लिए ये कहूंगा, क्योंकि अभी जो माहौल है इसमें आज के डबल चीज ट्रिपल चीज घूम रहे, बाइक पे घूम रहे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो बनाए कानून बनाई है उनका कानून का ऐसा ये करो, नहीं तो आपको परेशान आप भी हो जाएंगे दूसरे भी परेशान होंगे। बस मैं ये बोलूँ हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ का, और ये मेराजुन्नबी का मौका है और आप हमेशा से यहाँ पर नात खानी करते आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दो अशार आप मेरा जो नबी के सिलसिले में कह दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इतनी मुबारक रात है, मैं तो पहले मुमरा वासियों से कहूँगा कि इस मुबारक रात में इबादत करके अपनी इस कौम और अपने मिल्लत के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से, जानलेवा बीमारी से महफूज रखे। और इतनी मुबारक रात में यकीन है मुझे कि आप लोग हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम लोग यहाँ पर सब मिलकर दरगाह के जितने भी खुदाम हैं, हमारे नौजवान भाई लोग सब मिलकर यहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग रोड पर ना खड़े रहे, ग्रुप बनाकर ना खड़े रहे, आप लोग आगे आगे बढ़ते जाए। और जिनकी इबादतें पूरी हो गई है उनसे गुजारिश है कि अपने घरों पर जाके, हम लोगों से अपील कर रहे हैं। और हर साल शबे मेराजुन नबी के मौके पर और बड़ी दिगर बड़ी रातों के मौके पर दरबार शरीफ खुला रहता था, तो रात भर खुला रहता था, पर इस साल जमीयतुल मुस्लिमीन की तरफ से ये अपील की गई है कि दरबार बंद हो जाएगा रात में और लोग अपने अपने घरों पर, अगर इबादत पूरी हो गई तो अपने अपने घरों पर जाकर ये इबादत करें, दुआए खैर करें कि अल्लाह पाक पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इस बीमारी से महफूज रखे। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस जानलेवा बीमारी से महफूज रखे और हम सबको बचने की भी तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने कानून का हमें इस्तकबाल करने की और अपने कानून को मानने की हम सबको जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जमातुल मुस्लिमीन की तरफ से और दरगाह के खादिम मंजूर अली खान पठान की तरफ से भी अपील है हमारे सभी भाइयों से कि इस रात में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी आप बात सुने, ताकि ये आप ही की सेहत के लिए बेहतर है। और एक बार फिर हम मेराजुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम आले इस्लाम को इस शेर के साथ। वो बात भी है सैयद वाला की जात में, वो बात भी है सैयद वाला की जात में, कौनो मकां की सैर करे एक रात में, वो जो गए तो नब्ज़े दो आलम रुकी रही, वो आ गए तो जान पड़ी कायनात में। बहुत बहुत शुक्रिया।